टू द चैनल। और आज हम लोग हैं WRS के कैंपस में और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं वो आपको सर बताएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं पहले एयर ब्रेक और वहाँ पे अंदर क्या क्या होता है वो तो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सबसे पहले हम आज ये जानेंगे एयर ब्रेक सिस्टम, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस टर्म को समझना, एयर ब्रेक। एयर ब्रेक दो शब्द आ रहे हैं इसमें, एक है एयर, दूसरा है ब्रेक। एयर ब्रेक मीन्स एयर से चलने वाला ब्रेक या एयर ऑपरेटेड ब्रेक। किसी भी ट्रेन में, जैसे वैगन की रिपेयरिंग हम लोग करते हैं, तो वैगन में क्या होता है कि पावर जो होता है इंजन, वहां से पावर जनरेट वो करता है, एयर जनरेट वो करता है, वो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग वैगन्स में, ताकि अगर जब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं ब्रेक का, तो प्रॉपर एप्लीकेशन सभी वैगन्स में सिमल्टेनियसली हो, ताकि डीरेल होने से ट्रेन को या गाड़ी को बचाया जा सके। तो जब पावर रिलीज होता है, एयर रिलीज होता है पावर से, वो था 4 kg/cm² का पावर। तो जब 4 kg/cm² का पावर रिलीज होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे वैगन्स में सिमल्टेनियसली इक्वली। वो सबसे पहले आता है हॉर्स पाइप के थ्रू। हॉर्स पाइप के बीच में, दो वैगन्स के बीच में आपने एक पाइप, ब्लैक कलर का पाइप देखा होगा जो एंगल ब्लॉक के साथ एक दूसरे वैगन से कनेक्टेड होता है, तो वो जो होता है वो होता है एंगल पॉप और वो होता है होस पाइप। तो होस पाइप के थ्रू ही सारे वैगन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एयर, और उसी से एयर ब्रेक एप्लीकेशन होता है किसी भी ट्रेन में, ठीक है। अभी हम एयर ब्रेक डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग मैनुअल डिसाइड किया हुआ है। तो एयर ब्रेक के जो मैनुअल का नंबर है ना, वो है G97। इस मैनुअल में विस्तार पूर्वक ये बताया गया है कि कैसे एयर ब्रेक के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम रिपेयर करेंगे इस रिपेयरिंग वर्कशॉप। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एपीडी एंगल ब्लॉक के साथ जो एपीडी लगा हुआ है, एंगल ब्लॉक अगर डायमेंशन में छोटा है या फिर फिटिंग नहीं आ रहा है, तो एपीडी पैकिंग जो लगाते हैं, उस पैकिंग को सबसे पहले हम अलग करेंगे। उसके बाद एंगल ब्लॉक और डीबी को अलग करेंगे। डीबी होता है डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक। हम आगे चल के एक विंड पाइप सिस्टम का इमेज देखेंगे, उससे हम ये समझ पाएंगे कि किसी एक पर्टिकुलर वैगन में कैसे एयर आने के बाद किस किस स्टेप्स में आगे जाता है और ब्रेक अप्लाई कैसे होता है। करते हो
260 टन है इसमें ना, 1 mm से लेके और 12 mm तक बुलेट बैंड होता है। अच्छा, वो वहाँ पे भी वही हो रहा है क्या? वहाँ पर कटिंग होता है, ये एंगल और एंगल ऑफ कार पट्टी को ठीक ठीक तो बैंड होता है, वहाँ पे कटिंग हो रही है, यहाँ पे बैंडिंग होता है, ये सब बैंड इसी में होता है। अच्छा, नहीं देखो ये क्या होता है, टर्निंग होती है यहाँ पे। अच्छा, जितने व्हील होते हैं ना, अगर इसमें हमारा एक 75% का टेपर शैंक होता है, यहाँ तक का पार्ट ना 75 डिग्री, ये इतना अलग है, और ये देखो ये वाला, ये 75 डिग्री में मुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जब ये ना अपने डायमेंशन को खो देता है, चलते हुए फ्रिक्शन होगा तो घिसेगा ना, तो घिसने के कारण जब ये अपना डायमेंशन खो देगा ना, तो इसको टर्निंग की जाती है अंदर, टर्निंग, बड़े बड़े व्हील टर्निंग मशीन है जो ना इसको प्रॉपर शेप में फिर से लेके आते हैं। एक टॉलरेंस लिमिट होती है, उसके बाद हम उसको नहीं लेके आ पाते, फिर उसको कंडम कर देंगे। और दूसरी वहाँ पे चीज़ होती है UST, अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है कि शाफ्ट के अंदर कहीं क्रैक तो नहीं है, ये जानने के लिए। शाफ्ट के अंदर बाहर से क्रैक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर अंदर से कोई क्रैक होगा तो कैसे हम, और वो चलते हुए फिर तो ब्रेक हो जाएगा ना, व्हील दोनों व्हील अब अलग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग पार्ट में हो जाएंगे। तो अंदर अगर कोई क्रैक है तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है जो यहाँ से वहाँ तक इंफ्रारेड रेज भेजता है, और वो चेक करके ये बताता है कि कहीं पे रेज ब्रेक हो रहा है क्या। रेज अगर ब्रेक हो रहा है तो क्रैक है, मतलब ये यूजेबल है ना अभी। एग्जैक्टली, ये यूजेबल, ये हो चुका है, टर्निंग होके यहाँ आया है। अभी इसमें ना बोगी फिट होगा। अच्छा, बोगी शॉप है ना, तो बोगी शॉप में व्हील इसलिए खड़े कि यहाँ से ये अंदर जाएंगे और उस तरफ से वो बोगी बोगी के साथ निकलेंगे, के साथ वापस जाएंगे और उस तरफ से उधर जाके फिर वो बॉडी वन बॉडी चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा। ये क्या बोगी शॉप है सर? हाँ, बोगी शॉप जो व्हील के ऊपर रखा होता है ना, एग्जैक्टली उसको बोगी बोलते हैं। सर, ये जो बोगीज दिख रही है हमें, ये भी रिपेयर होने के लिए यहाँ पे आया हुआ है? ये भी रिपेयर होने के लिए आया हुआ है, इसमें ये एग्जैक्टली ये वाला नहीं आया है। इसके बारे में अगर पूछ रहे हो, ये आया है यहाँ जो कंडम हो रहा है ना कंपोनेंट, उन कंडम कंपोनेंट को लेके जाते हैं GSD, और उसको स्क्रैप करना रहता है और ऑक्शन होता है ना, क्योंकि है तो ये एट लास्ट आयरन पार्टिकल ना, रीयूज हम नहीं करते हैं। रीयूज ये रोलिंग मिल में जाएगा, रेल अपने किसी भी कंपोनेंट को रीयूज तब तक करता है जब तक कि टॉलरेंस लिमिट है, उसके बाद वो उसको कंडम कर देता है। उसके बाद वो जाता है GSD, जनरल स्टोर्स डिपो है, वो डिपो वाले ही उसको ऑक्शन करते हैं, और ऑक्शन करके उसको। और सर, ये आयरन के स्क्रैचेस हैं, ये व्हील का टर्निंग होने के बाद ना, व्हील टर्न होता है ना जो मैंने बता रहा था, वो ये टर्निंग का स्क्रैप है, ये भी जाएगा GSD और वहाँ से ही ऑक्शन। अच्छा सर, ये मेरे को बार बार वर्ड सुनने को मिल रहा है कंडम, इसका मतलब क्या है? इज इट वेस्ट? वेस्ट, वो यूजेबल नहीं रह गया। अच्छा, तो हम लोगों को टेक्निकल टर्म है ये कंडमनेशन। ये ना कोच से अलग होके व्हील यहाँ आ रहा है, ठीक है, कोच से ही अलग हुआ है अभी, मतलब बोगी से, पहले कोच से अलग होगा फिर बोगी से अलग होगा, ये बोगी शॉप से जा रहा है टर्निंग के लिए, जा रहा है टर्निंग, जितने जा रहे हैं वो सब टर्न होंगे, एग्जैक्ट अपने प्रॉपर शेप में आएंगे, और उसके बाद एक तरफ से पीछे की तरफ से वो भी शॉप को फिर से निकल जाएगा। तो सर, अभी हम लोग SAB और पाइप सेक्शन और एयर ब्रेक जो गए अपन सेक्शन, तो आप थोड़ा सा समराइज करके बताइए कि उसमें बेसिकली होता क्या है और हम लोग क्या क्या घूमें और जो भी है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे दो शॉप हैं ऐसे जो कि सीधे सीधे प्रोडक्शन यूनिट से इन्वॉल्व है, वो है बॉडी वन और बॉडी टू। एयर ब्रेक, ब्रेक फंक्शनिंग जो सिस्टम है अंडर फ्रेम में किसी भी कोच के, वो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है जहाँ पे ट्विन पाइप सिस्टम और सिंगल पाइप सिस्टम का काम होता है, और यहाँ पे पूरी तरह से ब्रेक फंक्शनिंग को ही हम रिपेयर कर उसको फिर से असेंबल करके यहाँ से आउटसाइड। एयर ब्रेक सर में DC, डर्ट कलेक्टर, TV, डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व और बाकी सभी कंपोनेंट जो कि ब्रेक फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका हमने टू आउट स्टडी किया, एनालिसिस किया और देखा कि कैसे उनको रिपेयर किया जाता है, और उनके रिपेयरिंग के बाद कैसे उसको किसी गाड़ी में असम्बल करके उनको वापस एक सुनियोजित तरीके से असम्बल करके वापस किया जाता है।
ये सारी चीज़ें कल हम देखने वाले हैं बोगी शॉप, और बोगी शॉप में कैसे फंक्शनिंग होती है, किसी बोगी को कैसे फिट करते हैं बीज के साथ, और बाकी सारी चीज़ें बोगी के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हम कल। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करके रखो, कल भी एक न्यू वीडियो आने वाला है। तो आज हमने जाना एयर ब्रेक सिस्टम और बाकी ब्रेक फंक्शन सिस्टम के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सर। तो फाइनली हम लोग स्टेशन से उतर, हम लोग की मैम मुझे ये पिकअप करने आई थी। यार खिलाओ ना, बहुत जोरों की भूख लग रही थी अंदर में, और इसको कहना था कि ये सैंडविच खाएगी। मैंने बोला कि चलो यार मैं भी जाके सैंडविच खाऊंगी। मम्मी को मैंने बोल दिया कि पनीर टिक्का सैंडविच बना दे। गुपचुप के आगे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो तो है, पर गुपचुप खा के जो दूसरे दिन हालत होती है ना मेरी, बाप रे वो क्या होती है आप समझ गए। सो गाइस, इट वाज सच अ हेक्टिक डे यार, बहुत मजा आया आज तो विजिट में। ऑल थैंक्स टू दुबे सर हु मेड अवर विजिट सक्सेसफुल। आई होप ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आफ्टर ऑल ये वीडियो इतनी इन्फॉर्मेटिव थी। और ये मेरा नैनो सेकेंड का ट्रांसफॉर्मेशन देखो गाइस। कोई सैंडविच वैंडविच नहीं मिला, मम्मी को बोल के रखा था मैंने, और मम्मी ने क्या बनाया था बताऊं मैं आपको? लौकी का दाल आज खाने में बना था। अरे ये सब ना मेरे पापा का नाटक रहता है, उनको लौकी का दाल इतना पसंद है कि अगर रोज आप बना के दोगे ना, रोज खाएंगे, उनकी वजह से हम लोग को भी खाना पड़ता है। तो आप बताइएगा जरूर ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा थी, मैंने उसको कवर अप करने की बहुत कोशिश की, अगर नहीं हो पाएगा तो सॉरी, और कमेंट करके बताना कि ठीक ठाक था ना वीडियो। सो आई एम बैक टू माय प्यारा सा घर, और तो गाइस बताइएगा आप जरूर कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और आई एम गोइंग टू स्लीप फॉर एन आवर, सीरियसली आई नीड अ गुड स्लीप नाउ। और क्या, और बस कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा पीको वर्ल्ड को, और बताइएगा जरूर कि सर ने गाइड किया तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फील फ्री टू कमेंट, सब्सक्राइब टू पीको वर्ल्ड, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, और समझ जाओ खुद भी क्या क्या बोलती हूँ मैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल एकदम सर फट रहा है मेरा। थैंक यू।